जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। राजद अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन में हुई मारपीट की घटना को लेकर राजद नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना। मोतिहारी में पिछले 28 सितंबर को राजद अति पिछड़ा जागरूकता सम्मेलन में हुई मारपीट की घटना को लेकर अब राजद नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। इसी मामले को लेकर पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर हंगामे को ठिकड़ा बीजेपी पर फोड़ने लगे हैं। आपको बता दें कि पार्टी के आदेश पर मोतिहारी के राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें राजद के विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश चौधरी, जिला राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण के जिला प्रधान महासचिव सुरेश सहनी के अलावा कई और नेता इसमें भाग लेने पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल सहनी, राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सह प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश चौधरी, पूर्वी चंपारण अति पिछड़ा के जिला प्रधान महासचिव सुरेश सहनी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 28 तारीख के रोज जो बापू सभागार में अति पिछड़ा के द्वारा जो आयोजन किया गया था, राजद के द्वारा जिसका सम्मेलन हुआ, उसी के लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि हम लोग के पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया पूरे नॉर्थ बिहार में ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ। और उसी दिन टाउन हॉल में भी बीजेपी का भी कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन वहाँ अति पिछड़ा के लोगों ने उस कार्यक्रम को नकार दिया, जिसके चलते हम लोग का जो कार्यक्रम बापू सभागार में चल रहा था उसमें बीजेपी के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हम लोग के कार्यक्रम को बाधा पहुंचाने का काम किया गया, जिसके चलते हमारे पार्टी के मुख्य अतिथि श्याम रजक साहब, हमारे बड़े भाई विनोद श्रीवास्तव जी, हमारे पार्टी के कप्तान और कल्याणपुर के विधायक और पार्टी के कप्तान मनोज यादव जी और हम सबों के द्वारा बार बार समझाने के बाद भी नहीं माना गया, लेकिन फिर भी प्रशासन के बुलाने पर मामला को कंट्रोल कराया गया और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग का कार्यक्रम चला। इसीलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि हम लोग का अति पिछड़ा का जो कार्यक्रम चला बहुत अच्छा और सफलतापूर्वक कार्यक्रम चला। नहीं नहीं, गलत बात है। देखिए, जहाँ पे कहीं 400 लोग हो या कहीं 10,000 15,000 की संख्या हो, हॉल का जो सीट है केवल 2,800 है और वहाँ पर 10,000 12,000 लोग हो जाए तो धक्का तो हो ही जाएगा। धक्का होने के बाद कोई गिर हो जाएगा तो कोई हमको लोग गिरा दिया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। आपने देखा होगा कि विनोद भाई हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने खड़ा होकर कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग शांति से कार्यक्रम को चलाया जाए। पूरा कार्यक्रम बहुत सुचारू ढंग से चल रहा था, पूरा खचा खच भी था। उसी 2 बजे के बाद, करीब करीब 2 बजे के बाद विनोद श्रीवास्तव जी 20-25 आदमी के साथ एंट्री करते हैं और उस समय हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार यादव जी अपना भाषण कर रहे थे। आए और कहने लगे कि हमारा कुर्सी कहाँ है, तो एक कुर्सी पीछे से मंगाया गया, तब तक जाके वो पीछे बैठ गए, आगे कुर्सी लगाया गया और उनके साथ जो कुछ उपद्रवी तत्व लोग जो पहुँचे थे वो खस के नारा लगाने लगे और नारा लगाते लगाते माहौल को बिगाड़ के हम लोगों के अति पिछड़ा के सम्मेलन में वो लोग विघ्न पैदा किया। जो रो रो कर बयान दिए हैं वो वायरल हुआ है। इसके पहले भी आप देखे होइएगा कि रो के बयान, उनका हमेशा रो कर लोगों को, का पता उनको कोई बीमारी हो गया का, कि हमेशा वो रोबे करते हैं। बीच में भी आप लोग देखे होइएगा, आज से लगभग 1.5 साल पहले उसी तरह रो रहे थे कि हम बहुत सेवा किए हैं, हमारा टिकट कट गया, क्या कर दिया, क्या हो गया, इस तरह का वो करके हमेशा रोते हैं। अब क्या पता अब हमारे लालू जी से क्या घिरना है उनको, अब भगवान जाने। अब वही बता सकते हैं कि हमारे माननीय लालू यादव जी जो उनको इतना मान सम्मान दिए, वो इस तरह का हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में कैसे कर दिए, अब वही बताएंगे पूछने पर कि ऐसे कैसे ऊपर। राजद विरोधी हैं कि ना? राजद विरोधी तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन क्या पता इधर वो क्या हो गए हैं, अब कहाँ से गाइड हो रहे हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम में। इस तरह का अगर विघ्न पैदा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लालू जी को 28 सितंबर 2023 को 11 बजे दिन में बापू सभागार राजा बाजार स्थित मोतिहारी में
काफ़ी महासम्मेलन में 10,000 प्लस जो है अति पिछड़ा समाज के जिले के कोने कोने से साथी हमारे आए हुए थे और सभी लोगों को जो है हॉल के अंदर और हॉल के बाहर भी संख्या उभर हो जाने के बाद भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम को संपन्न कराएं, ऐतिहासिक कार्यक्रम मेरा रहा। और इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे अति पिछड़ा समाज के 2700 प्रखंड से लोग आए तो उस कार्यक्रम में काफ़ी ऐतिहासिक सफलता मिलने के बाद हम सभी धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और जहां तक किसी भी प्रकार की ऑकरेंस की बात है वह कहीं से ऐसी बात नहीं है, भीड़ जहां होती है तो कुछ बातें ऐसी हो जाती है और काफ़ी संख्या थी और हम लोग जो है कार्यक्रम को संपन्न करा रहे थे। और हम सभी जिला के राष्ट्रीय जनता दल परिवार के और अति पिछड़ा समाज के सभी जिले के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और हार्दिक आभार प्रकट करता हूं पूर्वी चंपारण राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष होने के नाते। सारे हमारी टीम अति पिछड़ा का लगा हुआ था तब ऐतिहासिक हुआ है। मनोज यादव जी का इस कार्यक्रम में सहयोग को मैं समझिए कि सबसे अधिक मानता हूँ ओम प्रकाश जी का। लेकिन जहाँ तक ऑकरेंस की बात है, ये ऑकरेंस वाली बात नहीं है, विनोद श्रीवास्तव जी आकर थोड़ा सा हम लोग को डिस्टर्ब करने का काम किए, मैं बताना जरूर चाहूँगा आपको, इसलिए कि मैं अध्यक्ष हूँ, उस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहा हूँ, बार बार विनती कर रहा था प्लीज़ सीट पर बैठिए सर, मैं आगे चेयर ला कर रख दिया। लेकिन हाँ, इस चीज़ जरूर कहना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से कि पार्टी में अनुशासन चलेगा, पार्टी में मंच पर जिसका जहाँ जगह मिलेगा वो बैठेगा अगले बार से। मेरे कमेटी में तो इस तरह का था पूरा व्यवस्था, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण कुछ लोग जो है इधर उधर कर दिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन हमारे सभी लोग आए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं कि 10,000 प्लस ऐतिहासिक मेरा कार्यक्रम है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।